कहीं वो चाइना वाला वायरस मुझे ना लग गया। चाइना यहाँ से बिल्कुल नजदीक ये पीछे दो खेत छोड़ के चाइना। रामदेव के कजिन सिस्टर है जिनकी भी अभी 14 फरवरी को वेडिंग है, तो उसके जो इनविटेशन कार्ड्स देने होते हैं तो रामदेव उसके पीछे गया है। एंड हमने जो सोफा ऑर्डर किया है वो बस आने ही वाले हैं, तो आज हमने पूरे घर का जो हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं दूर जरा वो किया है, क्योंकि मम्मी ने कल बोला था कि सोफा आ जाए उससे पहले ही क्लीनिंग कर देते तो फिर सब कुछ क्लीन हो जाएगा, तो आपको इस साइड खाली खाली लगेगा, तो हमने इस साइड खाली कर दिया है तो दोनों साइड सोफा आ जाएंगे। ये सब कुछ बाहर निकाल के क्लीन कर दिया तो बस अभी ये सब वापस रख दिया है। यहाँ पे थोड़े से एक शिवानी का सील है, बाकी मेरे थोड़े से जो सील जो भी है वो लगाए थे हमने, और बस यहाँ पे ओम के टॉयज रखे हैं, ये भी मैंने लास्ट वीक ऑर्डर किया ओम के लिए, ताकि ओम की सारी चीजें हम इसमें रख सकते हैं और ओम को भी अच्छा लगे, वो अपने आप अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकता है जब ओम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ओम ने उसमें बुक्स रखी है, एक में कार्स अलग अलग टॉयज रखे अपने अलग अलग कलर्स के बॉक्सेस में, तो वो हमको अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे दोनों साइड सोफा आ जाएंगे, हमने पूरा क्लीन किया, ये वॉल्स में बहुत ही ज्यादा हमने कलर पेंसिल से किया है, तो हमने किस किस के बहुत कोशिश की लेकिन पूरा तो नहीं निकला, लेकिन जितना क्लीन हो गया अच्छी तरह से। यहाँ पे जो थोड़ी सी चीजें थी वो सारी निकाल दी, बस वो एक टीवी के लिए जरूरी था वो वहां पे रखा, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे जब कोई गेस्ट आए तब भी सोफा के साथ। और हमने जो यहाँ पे वो बैठता था वो बेड हमने इस साइड कर दिया है, डाइनिंग टेबल यहाँ पे था और ये वहां पे थी, तो वो बेड यहाँ पे ले लिया, और डाइनिंग टेबल थोड़ा सा इसके पास में रख दिया, तो अगर कोई गेस्ट है तो वहां पे भी बैठ सकते हैं, और ज्यादा है तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ये पुराना सोफा एक इतना टूटा हुआ नहीं था, तो अभी हमने यहाँ मम्मी ने रखा है, मैं तो मना कर रही थी कि अब नहीं ये वहां पे आ जाएंगे, लेकिन ये ठीक है, ये टूटा हुआ नहीं है तो रखा है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे शूज आपको दिखेंगे, इतने सारे जो नीचे की जो सारी चीजें थी वो हमने निकाल के गैरेज में रख दिए, जो जरूरी थी सारी ट्रैक्टर के और वो चीजें जो फार्मिंग के रिलेटेड होती है तो वो हमने वहां पे रख दी। तो बस आज सुबह से 1:30 बजे तक हम इसके पीछे ही थे, पूरे क्लिनिक के भी पीछे अब हो गया ऑलमोस्ट, एंड बस आई थिंक सोफे हमारे डिलीवर हो गए आफ्टरनून में, वो भी हमने पोरबंदर से लिए थे, हम बता रहे उसकी प्राइस थी 45,000 जिसमें से हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है। रामदेव को चाहे था कि थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले सोफे हो, तो पापा के लिए भी अच्छा है एंड ओम को भी अच्छा लगता है, और बैठने में अगर ज्यादा देर कोई टीवी देखता है तो भी कंफर्टेबल होता है इसीलिए। सो बस यही था, अभी बस ओम आने ही वाला है, तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। Something change? Yeah. Yeah, is it nice? Where are we going to put our sofa then? Look, we did all cleaning today. Here. There? Yeah. And where are you going to sit? In the sofa. On the sofa? Yeah. Oh, okay. And I put your study table here, okay? So you have to do homework there. Don't forget to do homework. Mommy? Yes? Will you do henna? હટાને તો બંધ છે, યસ we
Yes. Hello दोस्तों, तो ये है सोफा और ये है मेरे बेड तकिए। अच्छा? हाँ। Okay. Hello दोस्तों, तो आज हम ये लेकर आए हैं। अच्छा? ये सोफा है, ये बहुत सॉफ्ट है। हम इसमें बैठकर देख सकते हैं टीवी और सो के देख सकते हैं टीवी। अच्छा? सो के देखो, ये सोफा भी है। अच्छा, इस तरफ सो के देखो। ओह, इज इट गुड एंड कंफर्टेबल? हाँ। ओके। मॉम, ओह माय गॉडनेस, व्हाट इज दिस गाइस? द सरप्राइज। एंड व्हाट इज दिस? इट वाज सरप्राइज फॉर यू बाबू बॉडी। मम्मी डिडंट नो दिस इवन। You like it? Rikshawala lane hai, but your bapu bought it yesterday. Remember I showed you the photo? Is this nice? You like it? Yeah? Oh. Bapu is tired. And Rikshawala got this one as well. Yeah, okay. He got this one for you. This is for you. All is for me. Yeah. Is it nice? Bus. Idiot, dito aja. Bus. All yours, you can jump, Steven. Don't spoil, Bapo. How is it? Comfortable? Yes or no? And strong as well? Yes, very strong and soft, yeah? This is Bapo's choice. Mommy was choosing another one. I was choosing Bapo the black one. Yeah. Okay, let me ye chote bachcho ke liye bhi. Okay, okay. Oh, I will tell you how it is. Okay. Oh. How is it? Is it nice? Yeah. And it looks nice as well. Oh, I can sit here on top of it. Like that. Yeah? Oh, Ramdev, tumne isko jumping ka yaad diya hai abhi. Yes, you can. Hi everyone, hello dosto, good morning. Good morning. अभी बीमार लोग हैं मेरे आसपास, उनको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल तो नहीं, क्लिनिक लेके जा रहा हूँ. हमारे यहाँ फैमिली डॉक्टर है, हमारे रिलेटिव भी. तो पार्टी को है सर्दी, क्योंकि मेरे साथ बाइक में आई थी, उस तब से हुई है ज्यादा, है ना? नहीं, उससे पहले भी क्योंकि और आजकल यहाँ ये हो रहा है हमारे इधर की, दो दिन बिल्कुल कम ठंड हो जाती है, तीसरे दिन बहुत ही ठंड ज्यादा हो जाती है. तो वेदर सडनली चेंज हो रहा है, इससे होता है. और पापा को भी थोड़ा सा बुखार है. पार्टी को ये एरिया में हेडेक, सर्दी की वजह से सर्दी है बहुत, फू फू कर रही है. तो दोनों को लेके जा रहा हूँ. पापा को भी बुखार है एक दो दिन से थोड़ा थोड़ा, तो उनको भी लेके जा रहा हूँ. लेकिन नो इंजेक्शन, ओनली दवाई. इंजेक्शन तो कंपलसरी आज लेना ही पड़ेगा, मना कर दूंगी. So, इतना कल से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी दवाई ले. फिर अभी कल परसों से शादी हो रही है ना मेरे मामा की लड़की की, शादी है. शादी है फ्राइडे को है, यही है पास में. कर और कल का हमारा वो लोग फिनिश नहीं हुआ था, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल सोफा लेके आए और हमने तो बहुत जंपिंग किया. हाँ, और बहुत खुश हुआ के ऊपर भी. तो अच्छा, तो अभी स्कूल गया हुआ आएगा. ओम को भी थोड़ा सा सर्दी कफ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि फिर चॉकलेट वोकलेट में ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इससे फिर कंटिन्यू होती है सर्दी. और भारती तो चॉकलेट ऐसा कुछ खाती नहीं, खाती है वैसे, कभी जाती नहीं है सर्दी. ये फर्स्ट टाइम हुआ इतना लंबा, कहीं वो चाइना वाला वायरस मुझे ना लग गया. चाइना यहाँ से बिल्कुल नहीं देखी, ये पीछे दो खेत छोड़ के चाइना है, तो वहाँ से आ गया वो. नहीं, बस आज एक लास्ट टाइम है, अब दवाई नहीं लेनी. ये मेरा मानना, बीमारियों में वायरस में एक पुराने टाइम में जितना लोगों को कम पता था, इतने शायद लोग कम बीमार पड़ते थे. अभी लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा है, तो ज़्यादा शायद बीमार हो रहे, या तो पहले से ही डर हो जाता है कि वो मुझे ये हुआ होगा, तो इससे फिर मेरा ये मानना है पर्सनली कि ज़्यादा. मैं तो जाती नहीं हूँ, लास्ट मिनट तक हो सके इतना हॉस्पिटल. हाँ, जाती नहीं, फिर जाना पड़ता. और कल रामदेव नहीं था, कल रामदेव वो इनविटेशन सब सबके पीछे था, तो और मैंने कोला खाया था.
लेकिन उससे तो कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, नहीं वो तो बहुत अच्छे सेक्रिंसन के जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही नाइसली बनाए हुए होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं वो, उससे बीमार नहीं होते कभी भी, नहीं उससे नहीं हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही थी कि अगर रामदेव होता तो एक मीट मना करता, तो मैं मिस कर रही थी तुमको, तो इसी बहाने मैंने खा लिया। और कल बहुत लोग मिले मुझे रास्ते में भी, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। कुछ लोगों को मैं नहीं मिल पाया, कमेंट थे शायद कि आपको बुलाया आप नहीं रुके, लेकिन मैं सुना नहीं होगा। लेकिन जो भी लोग हमारे यहाँ लोकल एरिया में जैसे पोरबंदर हम जाते हैं तो बहुत से लोग देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये लोग हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन फिर बुलाते नहीं है सामने से। तो अगर आप चाहें तो आप बुला सकते हो, हमें रोक सकते हो, बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे, राम राम सीताराम, और फिर आगे अपने अपने काम से जा सकते हैं। और अगर नहीं मिलना है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन आपको अगर दिल में है कि मिलना है तो आप हमें रोके ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस देखते हो, क्योंकि हम नहीं जानते। और उसमें शर्माने वाली कोई बात है नहीं, मोस्ट ऑफ ऐसे होता है लोग देखते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं, लेकिन कोई लोग होते हैं जो दौड़ के मिलने भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 425, कितने दिनों से बोला नहीं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कितने 13 लाख ना ना मां, हां हमने थे जाए 13 लाख बाकी है क्या 13 लाख और यार। कृष्णा है हमारे घर से आई, लेकिन इसका जन्म यही हुआ था लखू भाई के घर, और लखू भाई को चाहिए थी, उसने बोला था कि मुझे चाहिए ये, तो मैंने वापस भेज दी उसके लिए। बहुत है वैसे यहाँ दूसरी भी, ये है अभी जो इसका बोन देखा होगा आपने शायद, इसकी है बड़ी कृष्णा की बेटी, और ये तीनों बहने। तो अभी हम हॉस्पिटल से दवाई ली है और अभी सीधा यहाँ पे आई है पापा के घर, क्योंकि पापा फ़ोन कर रहे थे, तो बस यहाँ पे आई थिंक 10-20 मिनट्स बैठ के फिर घर निकल जाएंगे और हम के आने का टाइम भी हो जाएगा। एंड पापा गए हैं वहाँ पे फ्रेश चने लेने, क्योंकि पापा ने इस साल पूरे खेत में चने ही लगाए हैं दूसरी साइड में, लास्ट ईयर जीरा था आई थिंक। कृष्णा को मीरा मिस कर रही है। હેલો દોસ્તો, તો યહાં પે પૂજા રોટી બના રહી હૈ, લીલુ ભાભી ખેત મે, લખુ ભાઈ ભી ખેત મે, ચને મે કામ ચલ રહા હૈ, તો મુજે रोटी में शुगर डाल के जो रोल बनाते हैं वो खाने का मन किया है, तो वो मैं खा रही हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है फिर भी शुगर के साथ खा रही हूँ मैं, और पूजा ने बहुत अच्छे से रोटी बनाई। तो दोस्तों अभी हम आए हैं खेत में चने देखने के लिए, एंड यहाँ पे मम्मी है एंड भाभी अभी वहाँ पे खेत में है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा इसमें जो वो होते हैं वीड वो निकल रहे। तो ये चने दिख रहे हैं आपको, हम ये ठेक थे ना आज यहाँ थी ले तबे और ये जो ऊपर में छिलका होता है जो थोड़ा सा जैसे सोल्ट लगाया हुआ वैसा लगता है,
थोड़ा सा सोल्टी होता है जो बहुत टेस्टी लगता है, और ये है चना जो अंदर से निकलता है। खाई जा। हाँ। इसको सेक के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। इन अभी मम्मी ने के मेरा पकड़ा है, पापा लखू भाई सब घर पे बैठे हैं। वापस आएंगे तो वापस चने खाएंगे, और इसको सेक के और टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे। सो थैंक यू। अभी बस हम निकलने ही वाले हैं घर, क्योंकि ओम भी अभी आएगा तो ओम को लेके ही जाएंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। ये मक्की है जो स्वीट कॉर्न जिसमें इसमें से बनते हैं। कंपोस्ट वो मिक्स करके अलग मिट्टी में बनाए हुए ये